आदि गंगा मां गोमती के उद्गम स्थल पीलीभीत में बासंती नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। पीलीभीत वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पीलीभीत की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज बासंती नवरात्रि की प्रथम तिथि भारतीय नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको भी आदिशक्ति मां भगवती जगदम्बा के इस पावन दिवस पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री बीएल वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण श्री राकेश सचान जी, बलदेव सिंह ओलक जी, संजय सिंह गंगवार जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बरेली के सांसद श्री संतोष गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत लोकसभा सीट से प्रत्याशी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, बरेली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और पीलीभीत से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आप सबकी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का पीलीभीत की इस धरती पर आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि स्वतंत्र भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाने जा रहा है भारत, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। हम सब की आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। बहनों और भाइयों, आज इस बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। ये बदलता हुआ भारत, जिस बदलते हुए भारत में सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी हैं और गरीब कल्याण की योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, ये बदलते हुए भारत ने कभी किसी ने सोचा था कि गुरु नानक देव जी का जन्म जिस भूमि पर हुआ था कभी वह अखंड भारत का हिस्सा था। कांग्रेस की कुटिल चालों से देश का विभाजन हुआ, लेकिन सिख भावनाओं का सम्मान करते हुए, भारत की उस आस्था का सम्मान करते हुए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं कि देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के
चार चार साहबजादों ने भारत की हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। लेकिन बाल दिवस कोई और ही दिवस मनाया जाता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे भारतवासियों को देकर के भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन चार चार साहबजादों के प्रति और उन अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और आज पूरे देश के अंदर हर जगह हर ओर यह आयोजन होता आ रहा है। हमारा ये पीलीभीत जहां अपनी कृषि के लिए जाना जाता है, वहीं अपनी अद्भुत कला के लिए भी जाना जाता है। कृषि में गन्ना किसान यहां की मिठास को न केवल प्रदेश और देश में बल्कि दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं। और बताते हुए यह भी प्रसन्नता है बहनों और भाइयों कि मोदी जी के ही नेतृत्व में यह संभव हो पाया कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान अब समय पे हो पा रहा है, अन्यथा कई कई वर्ष लगते थे और गन्ना किसान देखता रह जाता था। आज यहां पे सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, आज यहां पर आजीविका है तो आस्था को सम्मान भी है। कोई सोचता था अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाएगा? बहनों और भाइयों, अगर ये हो पाया है तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी के सच्ची नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वर्तमान पीढ़ी इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ते हुए देख रही है। आज के इस अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए मोदी जी आपके बीच में आए हैं, 10 वर्ष में बदलते हुए भारत में जो कुछ भी हमने देखा है, बहनों और भाइयों, ये आपके एक वोट की कीमत ने किया है। आपका वोट जब गलत हाथों में जाता था तो फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाली, देश के अंदर उपद्रव करवाने वाली, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली सरकारें आती थी। लेकिन 2014 में, 2019 में देश के मतदाताओं ने अपने वोट की कीमत को समझा, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया और बहनों और भाइयों, आज बदलते हुए नए भारत को आप देख रहे हैं, जो आज एक पिछलग्गू राष्ट्र नहीं, दुनिया की एक वर्ल्ड पावर बन रहा है, ग्लोबल पावर बन रहा है। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत में जितिन प्रसाद जी को अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है और बरेली में श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी को अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। इन सभी प्रत्याशियों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर जो भारत की आवाज है, उस आवाज के साथ हम सब जुड़ करके कि फिर एक बार पूरे देश की आवाज क्या है, फिर एक बार अब की बार इस संकल्प के साथ जुड़ करके, लेकिन इस संकल्प की पूर्ति होगी बहनों और भाइयों जब आप चुनाव के दिन पहले 3 घंटे में मतदान करने की दिशा से अपने आप भी और अपने साथ के मतदाताओं को लेकर के जाएंगे, इस कार्य को करेंगे, सभी लोग सहमत हैं तो फिर मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद, जय हिंद।